भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज समाप्त हो गई है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समिति द्वारा लिए गए फैसलों की घोषणा की। केंद्रीय बैंक इस साल फरवरी से नीतिगत दर या रेपो दर से 1.15% की कटौती कर चुका है। अगले कुछ महीने अर्थव्यवस्था के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। शक्तिकांत दास की अगुवाई वाली 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक 2 दिसंबर को शुरू हुई थी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों का आभार प्रकट किया। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, यह 4% पर बरकरार है। एमपीसी ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है, यानी ग्राहकों को ईएमआई या लोन की ब्याज दरों पर नई राहत नहीं मिली है। दास ने कहा है कि रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35% पर स्थिर रखा गया है। इसके साथ ही बैंक रेट में भी कोई बदलाव नहीं करने को फैसला लिया गया है, ये 4.25% पर और कैश रिजर्व रेशो 3% पर स्थिर है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।